जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये दोपहर वाला वीडियो है जिसमें हम लोग पता कर रहे हैं कि आखिर भाव लहसुन का क्या गया। सुबह का वीडियो मैंने बता दिया है उसमें क्या भाव खुला था। अगर भाव की बात करें तो दोपहर में भी अच्छा खासा देखने को मिला हमको, 13,000 तक भी माल देखने को मिला है और 13,300 कुछ बताया मैंने वो, और 12,800 भी गया है और 11,000 के समथिंग भी माल गए हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो छर्री नहीं बोल सकता, लड्डू पेटन जो कल 6,000 के आसपास बिक रहा था, कल मतलब दो मिनट आ रहा था। तो भाई अगर उसकी बात करें तो मतलब 6,000 वाला माल आज मैंने 8,000 तक भी दिखा है। बाकी मैंने आगे पूरा भाव बताया है। बता दूं मैं आपको कि 700 से 800 रुपए तक की या 600 से 700 रुपए तक की आप आसपास तेजी तो मान के चलो कि आज मार्केट में तेजी है। दूसरी चीज़ ये है कि आवक है तो मैंने आपको कल अभी सुबह वाले वीडियो में बताई दी थी कि 16-17,000 इकट्ठे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। तीसरी चीज कि हाँ जी 16-17 तो कुछ 12-13 बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें तो अच्छा आप उतराते मालूम, अच्छी बात है दादा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आवक जो भाव है, भाव में तेजी का माहौल है। मैं बात कर रहा हूँ जो लास्ट वीडियो आया था उसके बाद से कि कहीं ना कहीं तेजी का माहौल अपने को दिख रहा है। बाकी माल किस तरह का है, क्या है, तमाम तरह का मैंने आगे आपको बताया हुआ है। किसान भाई, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ किसानों का बोलना रहता है कि हमको आपके वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसमें दो कारण है मुख्य। पहला कारण तो ये है, या तो हो सकता है आपने चैनल को कहने के सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, या दूसरा कारण मुख्य है कि जैसे वीडियो आता है वो लाइक नहीं करते होंगे। क्योंकि देखिए, कहने का मतलब सीधा सा है, अगर आप लाइक करेंगे वीडियो तो ये यूट्यूब को समझ में आएगा कि इस तरह की वीडियो आपको पसंद है, और वो कहने के फिर मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आपके सामने ला के पटक देगा। तो फिलहाल आगे हम देखते हैं आखिर भाव क्या है दोपहर का और कितनी क्या तेजी रही, तमाम तरह की चीज़ें आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। आना था, क्या नाम है? सुरेश जयपाल, मगरखेड़ी तहसील सावण जिला इंदौर। आज आपका माल क्या भाव गया? 11,300। कितना माल लेके आया था? ये 63 कट्टे। 63 कट्टे, तो अभी इस बार लगाया कितना था? तो 2 बीघे का लगाया। 2 बीघे का, तो आप खरीदते भी है क्या? नहीं नहीं। तो अपनी पैदावार कितनी निकली? ये करीब 80 कट्टे निकले। 2 बीघे मतलब आपका 20 क्विंटल के आसपास आपका औसत आ गया। अच्छा, आपके एरिया में किसान भाइयों ने माल अभी रोका हुआ कि बेच दिया? कितना रोका, एक अंदाज आपको? ज़्यादा नहीं रोका, वैसे 40-50% रोका हुआ। मतलब आधा माल से ज़्यादा निकाल चुके। दादा आपका माल बिक गया? क्या नाम दादा आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी कहाँ से आया? वो क्या गाँव से। क्या भाव गया आपका? बिनने वाला माल था वो 51 गया। और इससे पहले कब लेके आए? इससे पहले अभी 15 रोज पहले। तो उस समय क्या गया था? 11,500। तो वो तो अच्छा वाला माल। हाँ, अच्छा वाला। चलिए, वीडियो कैसे लगते हैं आप? अरे बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी आप लोगों को बिक गया? क्या भाव बिका दादा? अच्छा, साथ में दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, क्योंकि किसानों को नई नई जानकारी देते हो और चैनल के माध्यम से जो जहां कमियां हैं उन कमियों को भी दूर करवाते हो, इसके लिए आपको सभी किसानों की तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरी कोशिश ये है, देखिए कि मैं भाई ये वाला बिका कहने के 12,310 के हिसाब से। लहसुन देखेंगे तो बड़ा साइज भी है, मीडियम भी है, और उसके अलावा देखिए तो लड्डू पैटर्न भी। ये लड्डू पैटर्न इसमें मिक्स है कि पहले से ही? अभी मिक्स हुआ, वरना माल किस टाइप का है? बड़ा वाला है क्या? बड़ा वाला, ये बड़ा वाला माल है और मीडियम साइज मान के चलो। और ये भी कहा 12,310। ये देखिए किसान भाई, 12,310 बिकार। किसान साथ में बात करा। सो किसान भाई, ये वाला बिकार 3300 दात्रा माल है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और इसमें ये कली वली सब कुछ मिक्स है ना इसमें पहले से? नहीं नहीं, बस हाँ सब मिक्स है। मिक्स है ना? हाँ। और ये देखिए दात्रा टाइप हो रहा कहीं ना कहीं, और ये बिका है 3,300। दादा ये क्या बात कर रहे हो? 7,900। हाँ यार, मैं वही बोल रहा हूँ यार, 9,000 तो थोड़ा मैं भी घबरा जाऊँ यार। दादा किसान भाई, ये वाला बिका 7,900 कली। कली भी अच्छी बिकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान करे जो आपके मुंह में बोला है घी शक्कर, जो आपने बोला कली 9,000 बिके, तो भगवान करे वो भी बिके और बिक जाएगी। वो समय आएगा वो कि वो ज्यादा भी बिकेगा। और ये वाला क्या बिका? 3920। ये 3920। किसान भाई ये वाला बिका 3920 रुपए, और इसमें भी दात्रा टाइप हो रहा देखा जाए तो। ये बिना चर्री भी है,
और ये वाला क्या बिका? दादा क्या नाम है? रवि पटेल। पटेल साहब कहाँ से आए? आज क्या भाव किया अपना? लगता है 4,000। दादा आपका क्या भाव बिका? 12,310 बिका। दादा आपका क्या बिका? आपने यहाँ बिके 7,900। तो 7,900। दादा ने अच्छी बात बोली थी कि 9,000 भगवान करे फटाफट जल्दी से हो जाए, जल्दी होगी। और वैसे एक खबर सुनने में आ रही है, छर्री के लिए आ रही, इंडोनेशिया का शायद कुछ एक्सपोर्ट का माल अब जाएगा। देखिए मैं पूरा, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, इसलिए बस जो हवा लगती लगती कान में बस वो हवा लगी है। वास्तविकता क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर कहने के आपको क्लियरिटी बताएंगे। बाकी अगर देखा जाए तो माल में थोड़ा बहुत तेज़ी है, कितना है और आगे भी पता करते हैं। सुबह भी मैंने बताया था तेज़ी है, क्या है दादा आपका? बिक गया? क्या भाव बिका आपका? 4,320 बिका है। 4,320। ये कौन सा वाला? यात्रा क्वालिटी का, यात्रा टाइप का। और ये 3,000? ये छर्री बिल्कुल बारीक वाली है, बारीक 3,000। चलिए जय जवान जय किसान, जय बलराम। ठीक है ये वाला यार 8,380 पक्का ये वाला? नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसमें ये मिक्स हुआ होगा बाद में यार, ये वाला मिक्स हुआ होगा, ये जैसा वैसा ही है। अरे बहुत बढ़िया बिका आपका, ये मान के चलो किसान भाई। ये वाला लड्डू पैटर्न और छर्री दोनों मिक्स है इसमें। और ये क्या 8,310 दादा बता रहे हैं? 8,380। और एक और माल ये 3,000। अच्छा वो छर्री थी। ये वाला माल कौन सा है? जीवन। जीवन किसान साथ में बात करा। दादा क्या नाम आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी कहाँ से आए? टिकरिया सांचा। आज क्या भाव क्या लहसुन आपका? 8,380 आपका। बहुत अच्छा, क्या सही बात बताओ, जो ये लड्डू पैटर्न ये मान के चलो कि अभी एक दो दिन पहले ये 6,000-6,500 तक जा रहा था, यही वाला बताओ। मैं वही बोल रहा हूँ, ये 6,000-6,500 तक जा रहा था, उनको भी 4,000 3,810। अच्छा अभी आपने कितना माल लगाया था इस बार? 4 बीघा। और उसमें से कितना निकाल दिया माल? 20 कट्टी लाए अभी, धीरे धीरे चालू किया मतलब। दादा आपका क्या बिका? 8,000। कौन सा वाला माल कौन सा था? अच्छा उधर आ गया। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है 3,300। किसान भाई ये वाला कली बिका है 3,300 रुपए की। अच्छा आपने खरीदा क्या? बताओ ना एक मिनट, खरीद वाली पर्ची ये देखिए किसान भाई, 3,300 के हिसाब से कहने की दादा ने खरीदा है और ये बिका है 3,300। ये वाला 1600। ये इसमें पूरा मिक्स ऐसे ही क्या? 3,000 वही मैं बोल रहा हूँ, 3,000। 1600 तो बहुत कम हो जाएंगे। क्या बिका है? 3,000। ये 3,000 बिका है। हालांकि इसमें अगर गीलापन हो रहा है यार इसमें अंदर से ना, ये पूरा सेम ऐसे ही क्या? पूरा सेम ऐसे। चलिए चलिए। हाँ दादा आपका माल है, क्या भाव क्या? 3,300। और ये वाला ये अपनी कली 3,300। ये 3,300 दादा ने खरीदी थी ना। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा किसान भाई ये वाला बिका कहने की 9,150 के हिसाब से। अगर लहसुन देखते हैं हम लोग तो इसमें मीडियम साइज़ भी है। और ये 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 जो ये बाद में मिक्स हुआ कि पहले इसी में मिक्स है? बाद में मिक्स हुआ। ये बाद में हुआ ना, मतलब ये माल आपका ये इस टाइप का होगा मतलब, है ना? कौन सा वाला माल है भैया? और बाकी अगर देखा जाए कली निकली हुई है कि बाद में मिक्स हुई? ये बाद में हुई होगी ना। और ये 9,000 कितना बता रहे हो? 9,110। क्या नाम है? विनोद सिंह कामदार। कामदार जी कहाँ से आए? क्या भाव क्या लहसुन अपना? 9,150। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपके एरिया में कितने प्रतिशत किसान, मतलब कितना माल किसानों ने निकाल दिया, कितना बचा? लगभग 50% हमारे इधर है, और 50 अपना निकल चुका है। अच्छा अच्छा अभी अच्छा वाला तो आपने भी छुपा के रखा है ना। चलिए जय जवान जय किसान जय भारत। किसान भाई ये वाला बिका कहने की 11,365 के हिसाब से। लहसुन अगर देखेंगे तो बड़ा साइज भी आ रहा है इसमें और मीडियम साइज नहीं रहने कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला क्या बिका? अच्छा इसका पता नहीं। देखिए किसान भाई ये वाला बिका 11,365 के हिसाब से। और किसान साथ में बात करा भाई ये वाला बिका 10,905 के हिसाब से। और लहसुन देखेंगे तो बड़ा साइज लहसुन आ रहा है इसमें और बीच बीच में। ये बाद में मिला है कि पहले ही मिला हुआ इसमें इस टाइप का? नहीं पहले ये मिक्स है मतलब। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए जो लड्डू पैटर्न में भी और छर्री कहीं कहीं अपने को देखने को मिलेगा, बाकी तो ज़्यादातर आपको बड़ा ही दिखेगा और मीडियम दिखेगा। ये वाला वही है ना? ये कौन सा माल कौन सा वाला है, वेराइटी कौन सी? अमरेठा। किसान साथ में बात कराता हूँ। हाँ दादा क्या नाम है? महेश सोलंकी। सोलंकी जी कहाँ से आए? नवरावदा। आज क्या भाव क्या लहसुन? 10,905। ये वाला लहसुन पहले कब लेके आया था? मैं बदनावर लेके गया था। वो कब की बात है? वो हो गया 15-20। वहाँ क्या भाव गया था ये वाला? 11,700। मतलब 15 रोज पहले की बात बता रहे। अच्छा ये वाला आपने लगाया कितना था? 9 बीघे। और उसमें से बेच कितना दिया? अपन ने पहले बेच दिया ये 125।
मतलब आपका पर बीघा कितनी पैदावार आई थी? 20-22 क्यों 20-22 कट्टे पर बीघा में? तो मतलब पैदावार आपकी कम आए, मतलब 10-12 कुंटल के आसपास ही आई। अच्छा, अभी कितना माल बचा हुआ और कितना बेच दिया? 100-125 कट्टे हैं। अच्छा, उसका करने क्या वाले आप, रोक के रखेंगे कि बेचेंगे? क्या रखेंगे, रखना है, मतलब उम्मीद है कि भाव अपना वो तेजी मत बढ़ेगा। यही वास्तविकता है कि माल अगर धीरे धीरे, यही समझदारी होती है किसान भाइयों की, धीरे धीरे आप माल निकालते रहिए। दादा आपका बिक गया क्या? पुराने खिलाड़ी हो गए भैया, पुराने वो गिला टाइप था वो भी निकाल दिया। तो अभी मतलब आपने लगाया कितना था? अपने 4 बीघा। और उसमें से कितना बेच दिया? 20 कट्टे रखे थे और वो भी लगाने के लिए रखे। तो अब ईमानदारी से बताओ अगले साल कितना लगाने वाले? इस बार 4-5 बीघा, मतलब बढ़ाने का उम्मीद है? नहीं, वही 4 बीघा का जो परमानेंट चल रहा है। परमानेंट? अच्छा, परमानेंट ही लगाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? परमानेंट रेगुलर लगाते हैं, परमानेंट ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा, अगर 4 के 8 और 8 के 16 करे तो भाव वहाँ से वहाँ पर नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा, ये आप सभी जानते हो। दादा सही बोल रहा हूँ दादा, असली भैया। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय भगवान। ठीक है।